हमारा ये जीवन, इसमें ये जो समय चक्र है, तीन भागों में विभाजित है। एक है भूतकाल, बीता हुआ कल, फिर आता है वर्तमान, अभी का ये क्षण, और फिर आता है आने वाला कल अर्थात भविष्यकाल। अब इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भूतकाल और भविष्यकाल, बीता हुआ कल और आने वाला कल। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों पर निर्धारित है कि वर्तमान में आप क्या करेंगे। बस आवश्यकता है तो उचित दृष्टिकोण की। अब भूतकाल को आप एक दृष्टिकोण से देख सकते हैं तो आपको भूतकाल में दुख भी दिखेगा, पीड़ा भी दिखेगी। किसी और दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको भूतकाल में सीख भी मिलेगी। अब इसी सीख के अनुसार वर्तमान में कर्म करना चाहिए। बात की जाए यदि भविष्य काल की, तो भविष्य के विषय में सोच के आप आज चिंतित हो सकते हैं। किसी और दृष्टिकोण से देखोगे तो उसी भविष्य में आपको एक लक्ष्य, एक उद्देश्य मिल जाएगा कि आपको करना क्या है, आपको पाना क्या है। अब उसके अनुसार वर्तमान में कर्म करने चाहिए, भविष्य और भूतकाल के अनुसार। ऐसे आप जीवन में कर्म करते रहेंगे तो आपके इस वर्तमान को एक नया अर्थ मिल जाएगा। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके जीवन को आनंदमयी होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जल जीवन का आधार है, जल नहीं तो इस संसार में जीवन नहीं। ये जल पावन है, पवित्र है, किंतु जब ये जल वातावरण के संपर्क में आता है तो धूल, मिट्टी, कीचड़, व्यर्थ के पदार्थ, ये सभी उस जल को मैला कर देते हैं। अब उस जल का यदि शुद्धिकरण करना है तो हम उस जल को हिलाते नहीं, उसे शांत छोड़ देते हैं, और ऐसा करने पर वो जल अपने आप ही सभी अशुद्धियों को त्याग देता है, अपने आप स्वयं को शुद्ध कर देता है। अब यही हमारे मन के साथ भी होता है। इस संसार की समस्याओं से लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं हमारा ये मन मैला हो जाता है, इसमें नकारात्मकता आ जाती है। उस समय पे आपको क्रोधित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, शीघ्र कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस इस मन को शांत करना है, शांत चित्त से विचरण करना है। ऐसा करोगे अपने आप आपको ज्ञात हो जाएगा कि क्या अशुद्धियां हैं जो आप में प्रवेश कर चुकी हैं और क्या शुभ है जो आपको प्राप्त करना है। अपने आप ऐसा मार्ग निकाल लोगे जिससे इन अशुद्धियों को आप त्याग दो। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे।